मीडिया के मित्रों के मन में बहुत जरा स्पेक्युलेशन है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी मन के साथ लड़ेगी भी और जीतेगी भी। कब्र में भी सोए हुए मतदाता को मतदान मथक तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। अरे राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोल कर जाता हूँ, कितना दम लगा दो। गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आप ये मान कर, पहले मीडिया के मित्रों के मन में बहुत सारा स्पेक्युलेशन है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर के साथ मन के साथ लड़ेगी भी और जीतेगी भी। इसमें किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। हमारा कार्यकर्ता घर घर जाए और मतदान के दिन सुबह 7 बजे से, मैं एक शब्द प्रयोग करता हूं, कोई इसी का गलत अर्थ निकले, कब्र में भी सोए हुए मतदाता को मतदान मथक तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। वो दिन लग गए कि कोई और तय करता था अब अगली सरकार किसकी बनेगी। वो जम्मू वाले तय करेंगे, जम्मू वाले तय करेंगे। भाइयों बहनों, हमने घर घर जाकर इनके विभाजनकारी एजेंडा के लिए लोगों को जागरूक करना है। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विभाजनकारी एजेंडे को उजागर किया था, मगर आज मैं आप सबके सामने आया हूं और मैं सबसे ज्यादा भरोसा मीडिया पर नहीं करता, आप पर करता हूं, क्योंकि मैं भी आपकी जमात वाला हूं भाई, मैं भी बूथ अध्यक्ष रहा हूं। मैं आज आपके सामने एक एक कर 10 एजेंडा फिर से रिपीट करना चाहता हूं। मैं पूछूंगा तब आप हा या ना में जवाब देंगे, करोगे क्या? अरे जोर से बोलो, करोगे क्या? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं, आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं, लाने दोगे? जोर से बोलो, लाने दोगे? कांग्रेस पार्टी और एनसी, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है, आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? अरे राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोल कर जाता हूं, कितना दम लगा दो। गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आप ये मान कर दो। भाइयों बहनों, 370 हटने से 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। एक कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये अधिकार छीनना चाहती है, आप छीनने दोगे क्या? अरे आप तो जरा जोर से बोलो, छीनने देंगे क्या? भाइयों बहनों, ये पत्थरबाजी और आतंकवाद में जो लोग लिप्त है उनको जेल से छोड़ना चाहते हैं, उनका मकसद है उनको छोड़ दो और हमारे जम्मू क्षेत्र, पूंछ, रजौरी, जहां शांति है वहां आतंकवाद आए। मुझे बताओ, जम्मू, पूंछ, रजौरी, डोडा में आतंकवाद को आने देंगे क्या? अरे जोर से बोलो, आने दोगे क्या? भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार आई, आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई,
जेल में डाल दिए। वो कहते हैं फिर से एलओसी का ट्रेड हम शुरू करेंगे। एलओसी का ट्रेड शुरू होगा तो उसका मुनाफा किसके पास जाएगा? जोर से बोलो, उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। ये करना चाहिए क्या? आप सहमत हो क्या? वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी।